फिलहाल पंजाब का माहौल खराब है सारे भाइयों ने। राम राम, मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू हर बार देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल आप देखो आड़े क्यों रहे औरन चल रहे हैं और मैं बताया दू तुमने दिन दाड़े गाड़ी का गाड़ी रह दी और इस गाड़ी में कौन है रुपेंद्र गांधी द गैंगस्टर क्योंकि गाड़ी मैंने पहचान है। भाई साहब राम राम सत श्रीकाल। जी करमू जी सत श्रीकाल। राम राम की चल रहा है सारे भाई यार पता नहीं कौन है बंदा अगे गड्डी ला ली दस आख ला लोगों को दसी तरीका कोई यार गड्डी रोकने का मैनू करता बिचो बिचल करके एक मिनट रुको भाई साहब एक मिनट मैं पूछता हूँ मामला मैं इसीलिए देख कहा था मैं देव भाई तो दिख रहे मां फिर मैंने गाड़ी का नुकून मेरा आप वाली किसकी है आप वाला मैंने कन्फर्मेशन होगी थी लेकिन यू है कौन या तसली मैं कर लूँ। आ जाओ भाई आ जाओ करिए भाई कौन है भाई। हाँ भाई आगे गाड़ी भाई गाड़ी अड़ानी पड़ जाए कई बार आगे क्यों कारण कारण है भाई क्या कारण अपने अरे भाई तो बता दे करता है हरियाणा तो है भाई टवाणा तो है हरियाणा प्रधान है। हाँ यू हरियाणा है प्रधान हीरो की गाड़ी आके अड़ा दी गाड़ी बिल्कुल अड़ा दी भाई क्यों अड़ा दी भाई देव भाई के फैन हाँ और बहुत लंबे टाइम के बाद गांधी दादा गैंगस्टर जैसी मूवियां देखी हैं भाई की आज भाई साहब गाड़ी में दिखे हैं तो हमने सोचा भाई आज तो हमारे इतने तकड़े फैन है भाई आज तो भाई की गाड़ी रोकेंगे। भाई तन बेरा होगा पंजाब का माहौल खराब हो रहा है दिन दाड़े तू गाड़ी डरे है मारे नु भड़का होगा मां की मैं कांड जो चुको बड़ा मामला की के चाव है तू के डिमांड है बिटरी भाई डिमांड है भाई साहब देव भाई नीचे आवेंगे हमारे गले सेल्फी लेवेंगे वीडियो बनाएंगे और हमारे गले लगेंगे हम तो इतने तकड़े फैन प्यार को क्या नाम दे भाई फैन है के इस प्यार को नाम दे दो भाई हैंड ब्रेक है हैंड ब्रेक हां हैंड ब्रेक लगा रहे हैं यो तो भाई हटांदा कोनी भाई हटांदा कोनी कौन हटांदा भाई साहब कौन भाई साहब देव भाई मना कर रहे हैं तो हटान तो मना कर दिया बताऊं इसकी डिमांड तो सुन लो नुगा जफ्फी पानी है भाई का फैन है आपका कोई फैन फराटा है हरियाणा तायर है हरियाणा वाले नुगा अरब लाइयो हरियाणा पर तरीका है रोकने का प्यार दिखाने का इस प्यार को क्या नाम दे मैं बोला उन्हें बोला हैंड ब्रेक यार धक्का धक्का नाम दो धक्का मैं बोला इस प्यार को क्या नाम दे बोला हैंड ब्रेक लगा रखे है तो एक बार भाई तड़ा आ जा एक बार आ जा भाई तड़ा आ जा एक बार उतर के तड़ा तू एक बार उतर के तड़ा आ जाए भाई चलो भाई यू मार तो भाई साहब फटका हो गया था मार हरियाणा माहौल पंजाब में माहौल खराब है हैं जफ्फी पाना चाह रहे आपके साथ वधिया तरीका है गड्डियां आगे पूरी है ये होगी तेरी छात पूरी भाई भाई छात पूरी हो जाएगी भाई साहब को। आज तक अगर हम थिएटर में गए हैं तो सिर्फ इनकी मूवी देखने गए हैं गांधी दी गैंगस्टर मूवी लगा लो ब्लैकिया डाकुआ दा मुंडा आज तक हमने सिर्फ इनकी मूवियों के डायलॉग याद है और किसी की हमने मूवी नहीं देखी आज तक। मूवी इनकी देखी है को भाई सब जिनकी मूवी देखी तो उसे की गाड़ी का गाड़ी रह दी ओ कहंदे है ना जिदी तौण ते गोडा रखो ना ओही बापू कहंदा ओही बापू कहंदा मेरी तौण दी गोडा रखेगा मेरा डायलॉग मेरे दी जाएगा। तो आप देख रहे हो कैमरा पे देव करोड़ भाई हैं और फिलहाल जो यू हरियाणा वाला फैन है यू फैन नु कहे पहले मन ने अपना जाफी बननी है जादू की जाफी एक बार भाई बिल्कुल हटा लेंगे आपकी मान वो शरीक टू की सुनी है आने लग रही 8 जुलाई को उसके बारे में भी गल करांगे भाई गल बात जरूर भाई जरूर इस टॉपिक बहुत वधिया है गल करनी भी चाहिए और आज दी लोड भी है टॉपिक बिल्कुल जरूरत है घर घर की कहानी जाना साना छोड़ चिंता बड़ा छोटा बूटा ठेरागढ़ पड़ोसी मित्र प्यारा सबकी कहानी चल रही है ले ले भाई तू सेल्फी ले ले ई मारा छोड़ देगा पेंडा भाई तू आगे तो हाथ देके कार रोक लगा रहा है नु गाड़ी नेड़ा कर दे ओके ओके राजीव दिल गार्डन गार्डन हो गया हैं यू स्टाइल तुमने पहली बार देखा भाई कौन सा जी नु गाड़ी अड़ान का आगे देखो एक इच्छा पूरी हुई आज तो जी मेरी गैलरी भरी पड़ी है भाई साहब के स्टेटस से और हरियाणा में ये लगा लो कि मैं तो हरियाणा में पंजाबी मिक्स कर लेता हूं तो भाई साहब को ही फॉलो करता हूं मैं तो दोनों स्टेट में डायलॉग भाई का भाई के तो बहुत सारे डायलॉग है जी भाई की मूवी में जो देखते हैं अपन मोटिवेशनल भी बहुत है और एक जो माँ के लिए प्यार है बहुत सारी मूवियों में दिखाया गया है वो मेरे को सबसे अच्छा लगता है। 8 जुलाई नु शरीक 2 आ रही है सो सारे हरियाणा नु लेके जाना फिल्म देखने बस ठीक है भाई साहब की तरफ से भाई धन्यवाद लव यू ब्रदर ठीक है भाई जी हम थोड़ा बैठ के गलबात करें तो आ जाओ नु करा मित्र गाड़ी में बैठ जा भाई साहब के साथ निकलेंगे भाई साहब कहाँ जाने की तैयारी चल रही थी
भाई साहब मैं ना एक मीटिंग है मेरी तो मैं वहां जा रहा हूँ। एक बार उठा ले भाई, ओ भाई खगड़ हटा ले गाड़ी, देखे गाड़ी गाड़ी डर की थी जमा। लो भाई साहब मैं अंदर ही आ रहा हूँ, आ जा भाई, आ जा अमित अंदर आ जा, आ जा। तो तू नून तो अंदर अमित उस साइड तो आंदा, कोई बात नहीं उस साइड तो आ जाता, हाँ उस साइड तो ना ना कोई बात नहीं, इसकी कैमरे की ना ना लाइव है भाई साहब, एडिट कुछ नहीं अपना चलता रहेगा। तो भाई साहब मन तो इस बात का हो गया था, मैं माहौल हो रहा थोड़ा खराब और गाड़ी का आगे गाड़ी ड्रीम भाई साहब के साथ। तो देव भाई कहाँ जाने की तैयारी चल रही थी? भाई साहब मैं एक मीटिंग पे जा रहा हूँ। अच्छा कैसी तैयारी चल रही है लॉन्चिंग की? पता क्या हमारी इंटरव्यू चल रही है उसके लिए, श्रीक टू के लिए, श्रीक टू के लिए, तो वो करने के लिए निकला था। ये भाई साहब पीछे से हॉर्न मारे थे एकदम से, आगे ले आके गाड़ी ठूक दी इसने, रास्ता रोक लिया हमारा, मोटा के मोटा मिला दिया। और भाई साहब ठीक चल रहा सब? सब राजी खुशी, सारा कुछ अच्छा। देखो आपने कहा बहुत गंभीर विषय है यूं, क्योंकि सरीकी जो उन्होंने कहा बोला लड़ाई कौन करा रखी, बोला किन करा रखी, बोला सरीकी ने करा रखी। ला लो जी बेल्ट लाऊं, पेंट की बेल्ट या गाड़ी की बेल्ट? पेंट की तो लगी हुई है, गाड़ी की बेल्ट। चलो भाई साहब एक बार फिर जी जी देख दो अड़जे पर हरियाणा वाला मारा गाड़ी का नहीं नहीं हरियाणा का निकल के प्यार करने वाला सी। अच्छा जब पीछे भाई साहब प्यार करने का तरीका बड़ा निराला सीगा, अजीब सीगा। प्यार मिला जी आपने कभी? प्यार कर दिया लोग सड़क दे, वैसे जिवे मैं रोक लेना अक्सर कार है ना जी। सो ये प्यार ही है, सारा सत्कार है तोड़े पीछे, कोई ता आंदा है आपके पीछे कोई तभी आता है अगर वो आपको प्यार करता है, चाहता है अगर, वरना दुनिया यहाँ पे लोग कोई किसी की परवाह नहीं करता है। बट पता क्या आजकल पंजाब का माहौल थोड़ा सा खराब है, इसलिए गाड़ी ऐसे रोकना थोड़ा सा वो लगता है कि यार पता नहीं कौन आ गया। भाई साहब पंजाब में देखो आपको पता ही है, लगातार चाहे दीप सिद्धू की बात करो, सिद्धू मूसेवाला की बात करो, या फिर एक वो स्पोर्ट्स मैन थे अपने खिलाड़ी थे बहुत बढ़िया, जो भी होया बहुत बुरा होया, बहुत मंदभागा होया, इहो जी गल्लां नहीं होनी चाहिए। हरमान लग्या कि मेरा पुत चला गया, सो असी उस दर्द चो पंजाब हले भी हौली 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 हले पूरी तरह निकलिया नहीं, सो ये घाटा कदे पूरा हो नहीं सकता। शरीक टू की बात करें भाजी, गाने आ लिए हैं और गाने में बहुत कुछ दिखा रखा है, मतलब गाने भी देखे तो इसे देखे गाने में लव स्टोरी का ट्रेलर देख लिया भाई साहब। कैसे लगा ट्रेलर? ट्रेलर एकदम मस्त, बिंदास, जकास, भयंकर, जबरदस्त, खतरनाक। अच्छा देखा मैं तो ये कहूंगा करमू भाई कि आप ये ट्रेलर अपने चैनल पे चलाना और दिखाना हरियाणा वाले जितने भी भाई। कॉपीराइट नहीं, कॉपीराइट कोई बात नहीं है, बोल देंगे हम अपने सबको, बोल दूंगा मैं, कोई कॉपीराइट का कोई चक्कर नहीं, आप हमारा ट्रेलर चला सकते हो, क्योंकि तो हमारे फैन भी शेयर करते हैं, सभी लोग शेयर करते हैं, वो कोई बात नहीं है। तो देव भाई है तो मतलब डाकुआ था मुंडा 1-2 की बात करो, ब्लैकिया की बात करो, डीएसपी देव की बात करो, या फिर आप बात कर लो भाई रुपेंद्र गांधी द गैंगस्टर। भाई साहब ये 1-2-3 का क्या चक्कर है? नाम शॉर्टेज पड़ रही है अपना, पता नहीं मेरे नाम की शॉर्टेज है क्या भाई साहब? नाम पता की चक्कर है? सो फिल्मा मेरी चलिया हुई ने तो लगता प्रोड्यूसर के ये जो फिल्में है ना ये ब्रांड है, बड़े नेम है ये, इसलिए वो तो देव करोड़ भाई के बारे में रुका है, ये किरदार में इतना डलजे हैं, जो करेक्टर है अगर इनका वो इनके चेहरा पर झलकिया करे। तो फिलहाल जो शरीक 1 के बाद शरीक 2 आवेगी, जिम्मी शेरगिल उसमें इनके शरीकी नजर आओगे। जिम्मी शेरगिल हाँ जी, बहुत तकड़ी शरीकी चल रही है, बहुत तकड़ी शरीकेबाजी है, और इहो जी शरीकेबाजी थोनू नहीं देखने मिली होगी किसी फिल्म दे विच, जिहो जी शरीकेबाजी थोनू इस फिल्म च देखने मिलेगी। पार्क वर्क भी है भाई साहब कुछ? हाँ है। अच्छा भाई साहब देखो एक फिल्म के साथ साथ एक मुद्दा भी है ये भाई, सरीकी बाजी की वजह से बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, और हमारे कहावत है तूफान आने से पहले तंबू बांध लेना चाहिए भाई, ऐसा ना हो भाई मार पाछे पुकार नहीं होती, कुछ अन होने हो जाए उससे पहले सावधान हो जाना चाहिए। ये सरीकी के बारे में खत्म कौन करण की है ये फिल्म या उसको बढ़ाने की है? नहीं, ये मैसेज है बहुत बड़ा कि जिड़ियां असी जमीना ज्यादा सरीकी के साइड इफेक्ट, सरीके के साइड इफेक्ट ही ने भरावा। देख एक ब्लड दे विचों दुश्मनियां पैंदियां ने, एक दादे की औलाद होंगे ने, एक पड़दादे की औलाद होंगे ने,
ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੜ ਆਪਣੇ ਮਚਾਰ ਕੀ ਕਾਫੀ ਉਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦੜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮਾਰ ਦੜ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਰ ਦੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਚਾਚੇ ਨੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਲਈ ਨਾ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਬਾਈ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਸਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਉਂ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਦੋ ਮੰਨ ਲਓ ਪੜਦਾਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਕੀ ਜੋ ਲਾਇਦ ਹੈ ਉਹਨ ਮਜੋ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਤਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਬਾਈ ਬਾਈ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਦਾਦਾ ਦਾ ਉਸ ਦਾਦਾ ਕੀ ਜੋ ਲਾਇਦ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਕੀ ਬਣ ਜਾ ਆਪਸ ਮੈਂ ਉਹਨ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿੜਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਕੀ ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਵਾ ਇਤਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਉਸਕੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਇਤਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਬਈ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਅੜਾ ਆਪਣੇ ਬਤਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਬਚੋ ਨਾ ਬਚੋ ਸਰੀਕੀਆਂ ਤਾਂ ਬਚ ਲਓ ਸਰੀਕੀ ਬਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਧਮਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਤਾ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਿਆ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਥਾ ਆਪਕੋ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾਓ ਮੈਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੇ ਯਦੀ ਆਪਕੋ ਯਦੀ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਬਈ ਕਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੋ ਆਪ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੰਗੇ ਹੋਗੇ ਇੰਗੇ ਹੋਗੇ ਦਾਏ ਬਾਈ ਦਾਏ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਆੜੇ ਉੜੇ ਆੜੇ ਉੜੇ ਤੋ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਥੋੜਾ ਟਲ ਜਾ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨੋਂ ਸੀ ਬਾਕੀ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਜੈਸੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਆਪ ਇਹ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਤੁਮ ਇਧਰ ਕੈਸੇ ਆਇਆ ਆਪ ਇਧਰ ਕੈਸੇ ਆਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਕਾ ਆਪ ਇਧਰ ਕੈਸੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹਿੰਦੀ ਮੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਆਪ ਇਧਰ ਕੈਸੇ ਆਏ ਆਪ ਇਧਰ ਕੈਸੇ ਆਏ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਨਹਿਰੋ ਨਹਿਰ ਬਹਿਰੋ ਬਹਿਰ ਸੁੱਟਮ ਸੁੱਟ ਟਾਪੋ ਟਾਪ ਮਾਰਿਆ ਨਰਵਾਣਾ ਦੁਰਾ ਉਚਾਣਾ ਹੈ ਉਚਾਣਾ ਕੀ ਜੋ ਲੈ ਜਾ ਯੂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਸਿੰਦੂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਗਾਉਂ ਹੈ ਬੋਲਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਸਿੰਦੂ ਜਾਣਾ ਬੋਲਾ ਨਹਿਰੋ ਨਹਿਰ ਬਹਿਰੋ ਬਹਿਰ ਸੁੱਟਮ ਸੂਟ ਟਾਪੋ ਟਾਪ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਤੋ ਇਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰਿਆਣਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਪੇ ਆਪ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਾਪੋ ਟਾਪ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਾਗਮ ਬਾਗ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀ ਗਈ ਸੁੱਟਮ ਸੂਟ ਬਟਲਾ ਟਾਪਮ ਟਾਪ ਗੇਰ ਪਾਲਾ ਟਾਪ ਵਾਲਾ ਭਜਲਾ ਹਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਈ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਠ ਹੈ ਕਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋ ਗਿਫਟ ਬਤਾਓ ਭਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋ ਫਿਲਮੇ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਹਰਿਆਣਵੀ ਫਿਲਮੇ ਵੀ ਕਰੇਂਗੇ ਹਮ ਅੱਛਾ ਤੋ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਮਰਸਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ 8 ਕੋ 68 ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਰੀਕ 2 ਟ੍ਰੇਲਰ ਉਸਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੇਵ ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਰੇ ਕੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹਮ ਡਾਲਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਦੇਵ ਭਾਈ ਕਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਹੈ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਉਸ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਔਰ ਮਾਮ ਵੀ ਡਾਲ ਦਿਆਂਗੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੈਂ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਫੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 2 ਆਈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਕ 2 ਆ ਰਹੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਔਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਇਲੋਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੀਟੀ ਤੇ ਤਾੜੀ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਥੀਏਟਰ ਮੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਮਾਰ ਧਾੜ ਬਲਕਿ ਐਸੇ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਦੋ ਸ਼ਰੀਕ ਇੱਕ ਸਾਥ ਫਿਲਮ ਦੇਖੇਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਦ ਨਿਕਲੇਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇਂਗੇ ਆਹ ਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਰੀਕੀ ਜਾਨ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਬਾਈ ਹਮ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮਕਾਵਤ ਬਲਾ ਸਰੀਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਕੀ ਬਾਜੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਹੀ ਹੈ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਤਾਓ ਅਬ ਆਪਕੀ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹ 1 ਔਰ
ਹੁਣ 2 ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੋਗੇ 3 ਆ ਜੂਗੀ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕਿਆ 2 ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਲੈਕਿਆ 2 ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੱਕਾ ਬੁਲਾਏਗੇ ਪੱਕਾ ਬੁਲਾਏਗੇ ਪੱਕਾ 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 ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹਮਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਕੀ ਜੋ ਨਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹਿਰ उसकी आजकल चल रही लहर SYL ये मुद्दा थोड़ा पॉलिटिकली मुद्दा है जी। तो हम कलाकार भाई लोग हैं हमारे पे उंगलियां बहुत जल्दी उठ जाती है जी, जी, जी। सो मैनू लगता है कि ये अपा मिलजुल के प्यार नाल सारे कर लांगे मुद्दे नू इस नू हल कर लांगे। देखो हरियाणा भी साढ़े भरा है पंजाब वाले आप एको ही हैं क्योंकि आप जो प्रोटेस्ट किया किसानी प्रोटेस्ट कट्ठिया ने मिल के लड़े फिर आप सारे किसान भरा जो है जितते हैं इस मुद्दे को। अच्छा जिमी शेरगिल के साथ बड़ी दुश्मनी बनती है इस फिल्म में आपकी। जिमी शेरगिल बहुत साढ़े पंजाब दे तोड़े हरियाणे च भी पंजाब च भी अपने सारे आप सारे चाहते हैं प्यार करते हैं पहली शरीक आई सी जिमी भाजी की सी मैं हुण इहदे नाल जुड़े हाँ और जिमी भाजी का करैक्टर इहदे विच बहुत पसंद किया गया सी जस्से का किरदार आ हुण भी वह जस्से के किरदार च ही ने सो जिमी भाजी नाल काम करके बड़ा एक ड्रीम सीगा वह पूरा होया और जिमी भाजी तो मेरी पूरी शरीकेबाजी और दो एक्टर की टक्कर देखने को मिलेगी तो मजा आऊगा थोड़ा एक एक बंदे की डायलॉग डिलीवरी आर पार की लड़ाई है और रोमांस गाने सब कुछ वधिया है। जे तुसी ट्रेलर नहीं देखा यूट्यूब दे उते शरीक 2 सर्च करो उत्थे तुहानू ट्रेलर मिल जाना वाइट हिल म्यूजिक दे उते ट्रेलर पे है सो सारे जिहड़े ट्रेलर देख लो एक बार ट्रेलर देख के तुसी खुद डिसाइड करोगे गाने सुन के कि यार असीं इह फिल्म देखण जाना है। और एक गल होर कहना कि अज शाम नू एक साडा गाना लहू दे रंग लहू बहरूपिया और रिलीज हो रहा शाम को 6 बजे और वो गाना देखो कितना टची सॉन्ग है। चलो जी एक बार हमारे लास्ट में दर्शकों को बोल दो इस वीडियो को जाना सियाना भाई साहब इस वीडियो को जाना सियाना छोट छिंदा बड़ा छोटा बुढ़ा ठेरा अगड़ पड़ोसी मित्र प्यारा सारे मिलके सारे जने मिलके शेर सवा शेर बब्बर शेर कर दो शेर सवा शेर बब्बर शेर कर दियो जे उदे उत्तों भी कोई शेर हैगा वो भी कर दियो होर दसो उत्ते तो फिर या बिल्डिंग गिनवा दे गिनवा दे कितनी मंजिल है बिल्डिंग दिखा दे भाई दर्शकों ने कितनी मंजिल है बताइयो भाई कमेंट करके कितनी मंजिल है ए 9 है 9 9 भाई साहब मामला ज्यादा दिखियो देख ले तू गिन ला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 ये तो 13 बरी है दर्जन टपकी भाई साहब दर्जन टपकी चार चार हां वो भाई साहब देखो महाराज जो इंग्लिश बोल रहे हरियाणा उसने भी बड़ा स्टाइल में बोला है बोला हाउ डू डू रहा बोला हाउ डू डू रहा बोला फाइन सू जैसे आपने पूछा हाउ डू डू रहा बोला फाइन सू ये करते हैं हमारे हरियाणा के काम। अच्छा वो जिस तरह कोई तालाब है मान लो मैं एक बार रास्ता पूछा तो मैं भाजी उधर जाना असि भी सानू राह दस दो हरियाणा च भी असि पातड़ा तो चले सी उधर हरियाणा चुना कहता भाई गोर गोर चल जा गोर गोर ही ना मतलब गोर गोर बाद चो मतलब के रस्ते नू गोर गोर कहा जाता है तो बला नारो नहर बारो बहर बारो बहर या गोर है सुटम सुट टापो टाप भागो भाग सुटम सुट तो अच्छा प्यारी लैंग्वेज है बड़ा मजा आता है और बड़ी जिवें पंजाबी ते हरियाणवी हर लैंग्वेज की खैर अपनी एक ग्रेस होंगी है सो हरियाणवी सुनन या बोलन भी बहुत मजा आता सुनने भाई साहब शॉर्टकट कितना हरियाणवी में और पंजाबी में भी यही शॉर्टकट पता क्या एक तो हम ये कहें किसी को यह बात मुझे समझ में नहीं आई कृपया करके दोबारा बताऊं एक तो आप कह दो की दोबारा इट मीन्स रिपीट की कह दिया पंजाबी में हरियाणवी में कह दिया ए मीन्स रिपीट की मीन्स रिपीट की कहता सी बस रिपीट कर बिल्कुल वंस देर वाज ए लोमड़ी बोलियो भाई साहब वंस देर वाज ए लोमड़ी वो हमारे खेत में जा पड़ी मारे खुद का दाड़ पड़ी मारे खुद पे दाड़ पड़ी है ये मतलब खली भाई पे भी डायलॉग करवा दे क्योंकि भाई इसलिए भी है क्योंकि मैं करमू नाल 3-4 इंटरव्यूज कर लिया इन्हें मैंने पूरी हरियाणवी सिखा देनी है भाई देव भाई हरियाणवी इंडस्ट्री वधिया तरीके नाल हां वो टुटमा पुटमा बोला कहाँ तक पढ़े हो हाँ समझ लेना बोला क्या हुआ ब्याह नहीं हुआ शादी नहीं हुई फेरे होते हुए तो देखे हैं फेरे तो देखे होंगे तो वो बात है पंजाबी सुनी है तो सुन लेते हैं बोलने आती नहीं तो काम अपना तो बोला ऐ भी हो गया बोला की हो गया बाद में फिर टप जाती ऊपर तो भाई देव भाई ने हरियाणवी इंडस्ट्रीज में आना आन भी लग रहे हैं ये और मूवी भी लेकर आवेंगे तो हम इनका अभ्यास करा रहे हैं हरियाणवी का। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई 8 तारीख को श्री 2 8 में ठाठ और शरीक का एक मतलब होया करें शरीक 2 में शरीक हो जियो शामिल को भी शरीक बोलते हैं ना एक शरीक की बाजी होती है एक शामिल को शरीक एक शरीक की बाजी तो 8 तारीख ने शरीक 2 में शरीक हो लियो तुम देखने खातर बहुत बहुत धन्यवाद भाई हरियाणे बहुत प्यार करते हो तुम थोड़ा बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद साढ़े दिल च भी थोड़े लिए बहुत प्यार है
बस भाई साहब का ध्यान नहीं था तो रोकने के लिए भाई मेरा ध्यान खिंचन लाई इन्हें गड्डी अगे लाती। चलो कर दो शेर भाई और मैं कहूंगा 36 बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। चलो जी।